चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं WP माइग्रेशन प्लगइन के बारे में, जिसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो में भी आपको कुछ बताया था कि वर्डप्रेस से बैकअप अगर लेना है आपको पूरे साइट का, तो हम WP ऑल इन वन प्लगइन का यूज करते हैं। तो इस टूल के जरिए मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि अपने वेबसाइट का पूरा बैकअप आप कैसे ले सकते हैं और उससे एक नए वेबसाइट पर कैसे पूरा का पूरा बैकअप अपना जो है रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इसी प्लगइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए, जो मैंने अपने पुराने वेबसाइट का जो बैकअप मैंने लिया था उसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो वो मेरे पास जो फोल्डर है, यहाँ आप देख सकते हैं DB के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको gramstree.in। ठीक है, ये जो बैकअप है मेरा जनरेट हुआ है जो कि 489 MB का है और ये है एक्सटेंशन। आप जानते ही होंगे कि अगर WP ऑल इन वन से अगर हम लेते हैं बैकअप तो यहाँ पे एक्सटेंशन आता है WP प्रेस का। ये जो एक्सटेंशन होता है यहाँ पे, अगर हम इसे ओपन करके अपना फाइल देखना चाहें यहाँ पे, मैं अभी आपको इंपोर्ट वगैरह की बातें नहीं कर रहा कि इसे आप लेके वेबसाइट पे इंपोर्ट करते हैं, सिंपली मैं चाहूँ कि इसे एक्सट्रैक्ट करके अपना फाइल देख सकूँ कि इसमें क्या कुछ बैकअप हुआ है। तो वो आज कैसे करेंगे मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर इन द सेंस अगर ये फाइल आपका बहुत बड़ा हो जाता है, सर्वर पर अपलोड नहीं हो पाता है, तो आप कैसे इसमें से अपना फाइल निकाल सकते हैं, तो वो रास्ता मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत से कंडीशन में क्या होता है कि ये फाइल करप्ट हो जाता है, जिसके कारण यूज़र्स के डाटा जो होते हैं इसमें पड़े रह जाते हैं और ये निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मेरे पास एक टूल है WP प्रेस का, extractor.exe। ठीक है, ये टूल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक फोल्डर के अंदर अपना जो बैकअप फाइल है वर्डप्रेस का वो रखना होगा और ये टूल को भी उसी फोल्डर में रखना होगा। ठीक है, ताकि ये इसी के नीचे जो है इसे एक्सट्रैक्ट करके फाइल को लाएगा। तो चलिए, अब इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे अब वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बस gramstree.in का ये जो बैकअप दिख रहा है और नीचे ये मेरा जो एक्सट्रैक्टेड टूल है उस पर आपको बस ये gramstree के बैकअप को उठा के ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के साथ ही ये देखिए ऑटोमेटिक ये जो एक्सट्रैक्शन होने लगा उस फाइल से और यहाँ पे आपको उस फाइल के अंदर जितने सारे भी फोल्डर हैं वो एक एक करके बाहर आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि जितने भी पिक्चर्स हैं, प्लगइन्स होंगे और जो भी साइट का बैकअप इस वर्डप्रेस फाइल के अंदर है वो एक एक करके यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फाइल है मेरा यहाँ पे निकल के आ चुका है। इस वर्डप्रेस के फाइल में जो भी फाइल्स थे वो यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। अब मैं आपको एक एक करके फोल्डर ब्राउज करके भी दिखा देता हूँ। चलिए, मैं प्लगइन्स की बात कर लेता हूँ। तो प्लगइन्स खोलता हूँ यहाँ पे, जो भी प्लगइन्स मैंने यूज़ किए हैं उस वेबसाइट में खास करके, तो वो सारे प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो थीम्स है जो मैंने यूज़ किया है उस साइट पे, वो भी थीम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। और अपलोड सेक्शन में जो जो चीज़ें हैं जैसे कि पिक्चर्स मेरे हो गए लाइब्रेरी के, तो वो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। जो जो पिक्चर्स हैं वहाँ पे अपलोडेड मेरे, वो यहाँ से डेट करके असाइन किया गया है यहाँ पे। 2018 में अगर 10 को देखता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट का पिक्चर है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट फाइल मिल जाता है जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट के लिस्ट होंगे। बेसिकली ये साइट जो है एक शॉपिंग साइट थी, तो उसका ये बैकअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 में फिर यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस के करप्ट फाइल में से अपना डाटा निकाल सकते हैं और उस डाटा को फिर से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू।